तो यहाँ पे मिस्टर अहमद बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, आप लोग इनका चेहरा देख सकते हैं। मतलब गाइस यहाँ पर मिस्टर अहमद पता नहीं क्या लेकर आए, मैं तो जानती भी नहीं हूँ सही से क्या। मिनी फ्रिज, किस चीज का फ्रिज? अच्छे से फ्राई हो गया प्याज और अब मैं डालूंगी इसमें मसाला। तो मसाला में है तो ये मैंने डाल दिया धनिया की पत्ती। तड़का बन चुका है, आप लोग देख। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल श्रीकास। आई होप आपसे बहुत अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और अभी बज रहे हैं 2:45, तीन बजे नहीं अभी, और मैं खाना खा कर आ गई हूँ। मिस्टर भगत यहाँ मुझे इशारा कर रहे हैं, थोड़ा तेज बोलिए तेज बोलिए, लेकिन मेरे से नहीं बोला जाता तेज। क्या खा के आए आप? अजवाइन, जहर, अजवाइन खा के आए हैं। तो पता नहीं कहाँ पे गए, कहाँ गए, किधर गए। और ऐसा मतलब मौसम भी इतना खराब होता है कि कहीं मतलब जाने का मन भी नहीं करता। आज भी बारिश हो रहा है यहाँ पे और मौसम बहुत ज्यादा खराब रहता है, मतलब सही नहीं रहता है, और तबीयत भी थोड़ा अप्स एंड डाउन इसी कारण से। तो देखती हूँ आगे जो जो होगा थोड़ा बहुत। आज तो मुझे डालने हैं ब्लॉग आप लोगों के लिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, हम लोगों को खुद अच्छा नहीं लगता है नहीं डालती हूँ तो ब्लॉग। आजकल पता है कंटेंट कुछ मिलता ही नहीं कि जो कि डालूँ। और सुबह उठकर जो सेम डे होता है हर रोज़ हमारे लाइफ में, वही डेली होता है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग जैसे और सब है वो लोग जैसे ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, तो उन लोग है ना कहीं घूमने फिरने का उतना अभी नहीं बन पाता है, तो नहीं जाती हूँ अभी। अभी है हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। ऐसे बहुत सारा प्लान है जो आपको देखने को मिलेगा आगे, बहुत सारा फैमिली के साथ भी, हमारा पर्सनल भी। तो गाइस यहाँ पर मिस्टर भगत पता नहीं क्या लेकर आए, मैं तो जानती भी नहीं हूँ सही से क्या। मिनी फ्रिज, किस चीज का फ्रिज है? क्या इधर आके अच्छे से बताइए क्या है ये फ्रिज, कौन सा फ्रिज है? ये कैमरा रखने का छोटा सा फ्रिज टाइप का ही है, इसको हम लोग ड्राई कैबिनेट बोलते हैं। अच्छा। जिसमें मतलब कैमरा सब में मॉइस्चर जो लगता है ना बरसात और नमी के टाइम में, वो इसमें नहीं लगता है, उसको वो मतलब मॉइस्चर पकड़ने नहीं देता है कैमरा में, लेंस में। अच्छा। और भी जो जो मतलब ये गैजेट सब है वो सब में, तो बहुत बहुत ही तगड़ा चीज है ये। अच्छा, आप बिल्कुल फ्रिज की तरह, इसमें लाइट भी जलता है, अभी दिखाएंगे आप लोगों को, लाइट भी जला के। तो आप इसके अंदर आपका कैमरा रखा हुआ है? अच्छा, अभी तो आप दिखाइए नजदीक से ले जाके फोन, इस टाइप का है। तो क्या फ्रिज की तरह ठंडा रहता है? नहीं रहता है। तो आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगी मिस्टर के पास कितने सारे कैमरे और क्या क्या है, और ये कौन सा बैग है। तो ये मिनी फ्रिज, अरे देखिए गिरेगा, पकड़ के रखिएगा। ये हमेशा ऑन रहता है ना, ये देखिए हमेशा ऑन रहता है, हमेशा मतलब हमेशा चलते रहता है पूरा साल भर, कभी बंद नहीं होता है ये। इसको तो यहाँ पे मिस्टर भट्ट निकाले हैं अपना कैमरा, और कैमरा में आप लोग देख सकते हैं क्या हो गया ये वाला, मॉइस्चर लग गया ये वाला, ऐसा होता है ना, बरसात का टाइम, देखिए पानी पानी पूरा, इसीलिए इसको इसमें रखा जाता है, इसी वजह से इसमें रखा जाता है, नमी इसे पकड़ लेता है पूरा। इसमें इसको बैग बैग के अंदर रखा हुआ था ये वाला, इसीलिए इसको इसके अंदर रखा जाता है। भूल गए थे उसे, ऐसे ऐसे ही हो जाता है सादा सादा। ये देखिए लगा हुआ है यहाँ पे, ये सब फिर सही है, ये भी सब सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे मिस्टर अहमद बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, आप लोग इनका चेहरा देख सकते हैं। मतलब
इसे ये वाला रखने भूल गए थे इसके अंदर, इसीलिए इसमें रखा जाता है ताकि इसमें नमी ना लगे। और आप लोग देख सकते हैं कितना सारा लग चुका है इसमें पूरा, यहाँ पे इस इधर पूरे में, और पता है पूरा भींगा भींगा टाइप भी लग रहा है और वाइट वाइट पूरे में हो गया है ऐसा। ये सब बहुत ज़्यादा महंगा होता है और ये थोड़ा मतलब अपने चीज़ को बहुत अच्छा से रखते हैं संभाल के, इसीलिए इसके अंदर रखते थे लेकिन ये भूल गए हैं। ये बैग में ही रखा हुआ था, बैग में ही लग चुका है। क्या हुआ, नहीं खुल रहा है? खुल भी नहीं कर रहा है। जा इधर से खुलेगा क्या? देखिए आराम से कीजिए। और ये मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, कैसे मतलब आउट ऑफ फोकस तो इतना होता है ना इसमें, आउट ऑफ फोकस के लिए मतलब आउट ऑफ फोकस के लिए सोनी का कैमरा बहुत ही बेस्ट है। ये सब ठीक ठाक, उतना खास नहीं है सब, खाली सबको DSLR का भूत चढ़ा रहता है। आपके पास सोनी नहीं है? नहीं, सोनी के लिए मेरा औकात नहीं है। औकात होना चाहिए उसके लिए। कोई बात नहीं, हो जाएगा। सोनी का औकात नहीं है। इसमें यहाँ देखिए, पास आइए, यहाँ पे ये टेम्परेचर सेट कर रखता है, ये बाहर का दिखाता है टेम्परेचर। अच्छा, ये ह्यूमिडिटी कितना है वो दिखाता है। 32 डिग्री सेल्सियस है बाहर का, मतलब ये गर्मी, और 74 ह्यूमिडिटी है यहाँ का। इसको हम लोग यहाँ से मतलब अपने हिसाब से मतलब ये लाइट का हो गया, लाइट जलता है इसके अंदर, देखिए। हाँ देखिए जला। हाँ ये लाइट है, ह्यूमिडिटी चेक सभी सब सेट करने का है। हमको उतना नहीं आता है क्योंकि हम छेड़छाड़ इतना नहीं करते इससे। ये तो हमेशा एक साइड में रखा हुआ होता है, हम लोग कोई भी इसे छूते नहीं है। और आप लोगों का बहुत लोगों का कमेंट आता था कि आप लोगों ने अपना फोटोशूट ये हम लोगों ने तो बताया बहुत सारे वीडियो में। तो ये जो है ना, तो इनके बहुत जान पहचान के थे हमारे जो वेडिंग में फोटोग्राफर वगैरह थे, और इनके पास तो ऑलरेडी था, और इन्होंने मतलब बहुत जगह मतलब काम भी किया था। इनके पास ड्रोन था उस टाइम पे, तो ड्रोन के भी काम से इधर उधर जाते थे। तो अभी ड्रोन नहीं है फिलहाल, तो ड्रोन के काम से जाते तो बहुत लोगों से जान पहचान हो जाता, जैसे हमारा सिनेमैटिक वगैरह बना था ना, तो ये उन लोगों को पहले से ही जानते थे। तो वो लोग मालदा के, वेस्ट बंगाल के बाहर के वो लोग थे, तो बहुत अच्छा उन लोगों ने किया था, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, फोटोज़ वगैरह सब बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, हम लोगों का जो फोटो हुआ था वो भी बाहर से आया हुआ था ना। हाँ वो भी ये जिसको जानते थे बहुत अच्छे वाले, उनको बुलाए थे, और इसीलिए हमारा वीडियो फोटो बहुत अच्छा बना था, क्योंकि ये सब तो यादगार टाइप का हो जाता है ना, तो ये सब अच्छा लगता है कि हमेशा के लिए रहेगा, सही से रहेगा, अच्छे से रहेगा, इसीलिए और करना भी चाहिए। इसको देखिए, ट्रे में इसको कैमरा रख के इसमें डाला जाता है, ऐसे सबका स्लॉट बना हुआ है अपना अपना। अच्छा, इसमें रखा जाता है। अच्छा, अरे एक में खाली लेंस वेंस रख के ऐसे नहीं है। तो गाइस मिस्टर भारत कितना कोशिश करे ये वाला खोलने का, लेकिन खुल ही नहीं रहा है। बजरंगबली बोलिए, जय बजरंगबली। बहुत डीट है आपके तरह, नहीं खुल रहा है। खुल जा कुछ नहीं कर रहा है। जब शांत होइएगा तब खोलिएगा ना आराम से। तो ये सब कुछ अपने बैटरी वगैरह सब सेट कर चुके हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही कैसा नमी लग गया था। आदमी नमी का समझता ही नहीं क्या होता है, समझता है नहीं, समझता है क्या? हर चीज में लगता है, इंसान को छोड़ के इंसान को भी लगता है। मुंह हाथ नहीं सूखता है, गाल चिड़चिड़ाता है, होठ फटता है, तो इन लोग सूखता थोड़ी ना है। हाँ सूखता नहीं, इन लोग का और दिक्कत है,
ये सब बरसात में ज्यादा होता है, बरसाती का कारण तो हाँ वही तो बोल रहे हैं रखा हुआ था ना इसी कारण से, जैसे कि हम लोग का दरवाजा लगता ही नहीं, आवाज करता है भूत के तरह सिर्फ, है ना। हे गाइस, तो अभी शाम के बज रहे 5:30 और अभी मैं थोड़ा टहल रही हूँ, सो गई थी, सोकर उठी हूँ, सोच रही हूँ आज सुबह तो फिश बना था मछली, और हमारे यहाँ जब पितरपक स्टार्ट होने वाला है तो बंद हो जाएगा, तो मैं मछली मतलब मुझे उतना पसंद नहीं है, तो मैं आज मछली मतलब नहीं खाई हूँ, तो बहुत ज़्यादा कांटा भी रहता है इसके बाद, इसीलिए अभी देखती हूँ कुछ बनाना है डिनर के लिए, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो मुझे तो मन है पनीर खाने का, देखती हूँ मिस्टर भगत क्या बोलते हैं, पनीर और रोटी बनाऊंगी आज, थोड़ा पनीर अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी, अगर हो सकेगा तो शेयर करूंगी, तो देखती हूँ। हे गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में और पनीर हो गया है कैंसिल, और मुझे बनाना है चने दाल का तड़का, पनीर किसी और दिन खा लूँगी, चने दाल का तड़का और पराठा बनाऊँगी मिस्टर भगत बोले हैं, तो रोटी भी बनाना है साथ में पराठा भी बनाना है, तो जा रही हूँ फिलहाल और जाके तड़का बनाती हूँ, तो मैं कैसे बनाती हूँ तड़का आप लोगों से शेयर करती हूँ, और मैं थोड़ा अलग टाइप का बनाती हूँ, अच्छा भी लगता है खाने में, और ऑलरेडी सारा सामान भी है, धनिया पत्ता वगैरह है शायद, देखती हूँ जाके तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा, तो जाती हूँ फटाफट। और अभी टाइम तो हाँ 6 बजने में भी टाइम है, लेकिन अब जाती हूँ स्टार्ट करती हूँ, उसमें टाइम लग जाएगा। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में, और ये मैंने चना दाल जो है वो चढ़ा दिया हुआ है, और यहाँ कढ़ाई चढ़ा दिया, प्याज मसाला सब कुछ रेडी है, बस पहले प्याज फ्राई करूँगी, इसके बाद फिर थोड़ा सा मसाला, ज़्यादा मसाला नहीं थोड़ा सा, और थोड़ा धनिया का पत्ती भी है, और एक टमाटर छोटा सा डालूँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, गर्मी तो लग रहा है। ये गया तेल, ऑयल, सरसों का, तो यहाँ पे तेल हो गया गरम, तो इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, बड़ी इलायची और लौंग, 2 लौंग, ये प्याज और दालचीनी भी डाल दिया है, मतलब यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गया प्याज, और अब मैं डालूंगी इसमें मसाला, तो मसाला में है लहसुन अदरक और हर लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं था थोड़ा सा ही था, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा था, अभी इसे अच्छे से फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया है और मसाला भी फ्राई हो गया है, धनिया पत्ता सिर्फ डालूंगी बस, बाकी धनिया पत्ता डालना, इसके बाद ये चना दाल अच्छे से बॉईल हो गया है और रोटी भी बन गया है, तो ये मैंने डाल दिया धनिया की पत्ती, बस अब चना दाल डाल दूंगी। तो यहाँ पे तड़का बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है दिखने में, तो खाने में तो और टेस्टी लगेगा, तो ये देख सकते हैं। तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ किचन से, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो अभी आके बैठी हूँ, तो आप लोग बताना मेरा मतलब रेसिपी कैसा लगा आप लोगों को, और सच में एक बार इस तरह के ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है, और मिस्टर भगत को खाना है पराठा, तो रात को मैं पराठा बना दूँगी उनके लिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, खैर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बस आज के लिए बाय।